हेलो दोस्तों, मैं संजय लाल शाह, आपको संजय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में स्वागत है। तो अभी अभी क्या हुआ, इसमें खराबी क्या है, ये एलईडी बत्ती जो मेंस की है, बत्ती जल रही है, इसको प्लग लगाइए, प्लग लगाइए, प्लग लगाइए, ऑन कीजिए, ऑन, बस ये देखिए बत्ती जल रही है, ठीक है, ये जो लाल वाली बत्ती है जल रही है। और इसमें वो ऊपर का वोल्टेज दिखाइए, ऊपर वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए तार लगाई, तार लगी नहीं है, तार लगाइए, तार लगाइए, चालू रहने दीजिए, चालू करना, तार लगाइए, लाल वाली तार लगाइए, पॉज कर दीजिए, करंट हो गया, ठीक है, लगाइए लगाइए आप, अरे बस वो हुआ सर, अभी क्या है, अभी इन्होंने ही खराब किए हैं। चक्कर क्या है, इनको मैंने इन पे प्रैक्टिस कराना था, इनको बोले कि देखिए इसमें वोल्टेज जो आउटपुट है कितनी है, वो तार थोड़ी सी इसमें जो इसको एडजस्ट करने के लिए मैं उसको अभी बताऊंगा, ये अभी उसको बताऊंगा, एक मिनट, अभी ये तार लगा दिए, ठीक है, तार लगाने के बाद अब प्लग लगाइए, उसमें प्लग लगा दिए, ठीक है, प्लग लगा दिए, और वोल्टेज जो है अभी जिसमें वोल्टेज आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही है, और थोड़ा सा एम्पियर भी ले रही है। तो ये देखिए यहाँ बत्ती जल गई, बत्ती जल गई, और इसमें क्या हुआ, पहले क्या थी, पहले क्या थी, इसमें 90 वोल्ट आ रहा था, 90 वोल्ट इसमें आ रहा था, लेकिन प्रीसेट से ट्यूनिंग नहीं हो रही थी, मतलब ट्रिमर जो है कोई काम नहीं कर रहा था, वोल्टेज कम ज़्यादा करने वाला जो है ये वो नहीं हो रहा था, ये वाला जो वोल्टेज इससे कम ज़्यादा करते हैं वो नहीं हो रहा था। अभी देखो इतने देर बाद ये खुद सीरीज बत्ती जल गई और 64 वोल्ट आउट भी हो रहा है, 65 वोल्ट, ठीक है, लेकिन अभी नहीं हो रहा था और हो भी रहा है, फिर बंद भी हो रही है, ठीक है, अभी हम इसे देखेंगे कि क्या क्या दिक्कत है। तो अभी इसको देखिए क्या वोल्टेज, क्या दिक्कत आ रही है, अभी सीरीज में जो इस तरह से, अगर मैं इसे बंद करके चालू कीजिए, पहले बंद कीजिए, हाँ दोबारा चालू कर दिए, अब देखो 87 वोल्ट वहाँ तो आ रहा है, लेकिन बैटरी भी कनेक्ट है, ये जो बल्ब जो है वो उसकी लोड नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन बैटरी से हम कनेक्ट कर रखे हैं, लेकिन अब बैटरी में डायरेक्ट नहीं है, अभी मेरे मीटर में आनी चाहिए, मतलब बैटरी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो अब जो है इसमें फॉल्ट क्या है, 87 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, अब हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम इसे पहले, हो सकता है मेरी कंडेंसर पहले से चार्ज हो, तो इसको बंद, पहले एक बार बंद कीजिए, बंद कर दिए, अब मैं इसका जो कंडेंसर है उसको डिस्चार्ज करता हूँ, अब जाके अभी उसमें वोल्टेज कुछ नहीं है, अब चालू कीजिए, अब वोल्टेज फिर वही वोल्ट हो गया, 87 वोल्ट है, ठीक है, अभी इसे ठीक करना है, तो इसे ठीक है, हमारी बैटरी का जो अर्थ है इसके साथ कनेक्ट है, तो तार लगा दिए, अब इसमें 12 वोल्ट पहले देखना है मुझे, 12 वोल्ट कितने आ रहे, 2.4, मतलब ये 12 वोल्ट नहीं है तो ये सर्किट चल नहीं रहा, फिर भी ऊपर दिखाइए 90 वोल्ट बन रहा है, ठीक है, अभी ये चालू है, अब कहेंगे कि चालू नहीं है, आप ये देखिए, इधर देखिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अभी, ये देखिए ऊपर ऊपर भी दिखाइए बत्ती, जैसे जैसे मैं टच कर रहा हूँ, इधर टच भी दिखाइए, टच कर रहा हूँ, सीरीज बत्ती जल रही है, मतलब इसमें करंट है लेकिन ये सही तरीके से चालू नहीं हो रहा, 90 वोल्ट फिर भी है पर यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं है, मतलब इसमें बहुत कुछ खराब हो गया, एक तो ये सर्किट जो 12 वोल्ट नहीं बन रहा, तो आईसी भी काम नहीं कर रहा, आईसी नहीं कम कर रहा फिर भी वहां से वोल्टेज बन के जा रही है, यानी एसीआर भी खराब हो सकता है ना, तो अभी फिलहाल पहले 12 वोल्ट बनाएंगे, फिर देखेंगे कि 12 वोल्ट के बाद क्या हो रही है, क्या दिक्कत है। तो अभी इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलिए, डायोड को चेक करो, पहले इस डायोड को चेक करेंगे कि डायोड शॉर्ट है या वोल्टेज, तो मैं इसे पहले बंद करूँ, पहले बंद करो, टर्न करो, अब इधर देखो, इसमें सबसे पहले इस तार को
जहां से वोल्टेज आ रही थी ये है 18 वोल्ट, जो छोटा ट्रांसफार्मर जो इधर लगी है, देखिए ये जो लगी है इसकी वायर है ये, ठीक है। अब ये इसकी वायर है, इसमें कितने वोल्ट है? 18 वोल्ट है। तो 18 वोल्ट यहाँ पे आनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हम यहाँ टच करके चेक कर रहे हैं ट्रांसफार्मर को। यहाँ अगर मैंने तार लगा दिए तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में मेरे मीटर कनेक्ट हो गया है ना, जब यहाँ पे तार लगी तो मीटर हो गया, तो यानी ट्रांसफार्मर ठीक है। अब ट्रांसफार्मर ठीक है तो मुझे डायोड चेक करना है। ये लगे लगे चेक मैं इसलिए करने के दिखा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा अगर मैं खोल खोल के दिखाऊंगा तो एक तरीका लगे लगे भी चेक करने का है। अब डायोड चेक करना, डायोड का इधर 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 निगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, क्योंकि इधर निगेटिव निकले हैं, इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है और इधर निगेटिव, यानी दोनों ये निगेटिव पॉजिटिव मिला के एसी का तार लगाए हैं इधर से जो तार आई है, और इधर प्लस निकलना चाहिए इधर माइनस निकलना चाहिए। अब प्लस माइनस निकलना चाहिए तो अभी मुझे डायोड चेक करना है, डायोड ठीक है कि नहीं है। तो पहले मीटर सेट करें, मीटर में देख लिए ये डायोड है, एक दूसरा डायोड है, ये दोनों साइड के डायोड हैं, इस तरफ भी से चेक करेंगे। ये मतलब ये जो सर्किट आ रही है अभी ज़्यादा आ रही है, ये तो चलो ये सर्किट में लगी है इसलिए आ रही है, तो अभी मेरा जो है डायोड इस कंडीशन में आना चाहिए, ये ठीक है। उस तरफ का भी चेक कर लेंगे, तो उस तरफ का भी डायोड ठीक है। तो मतलब इतना दूर से मुझे कंप्लीट हो गया कि यहाँ डायोड ठीक है। अब जो वोल्टेज यहाँ बैठ रही है यहाँ पे दिक्कत होगी, या हो सकता है आईसी खराब हो। अगर आईसी शॉर्ट होगा तो भी 12 वोल्ट जब टच होगा तो ऐसे ही होगा। तो अभी मुझे आपने जो इसमें देखे थे कितना वोल्ट आ रहा था? 12 लाना था। अभी कितना आ रही थी? 3 आ रहा था। 3 आ रही थी, तो एक बता लगा दिखाइए अब कितना वोल्टेज है, ये देखिए फिर से चेक कर लेते हैं कितना, 3 वोल्ट है ना। तो अभी मुझे इसको क्या करना है कि 3 वोल्ट इनपुट में आउटपुट में भी है और इनपुट में भी है, तो दोनों तरफ इनपुट है आउटपुट भी सेम है। तो इसको बंद करिए, पहले बंद कर दिए। यस सर। अब मुझे इसको ही चेक करना होगा कि ये भी खराब है क्या, ये देखिए ये खराब है। अगर मुझे सिर्फ इधर शॉर्ट दिखाती, इधर नहीं दिखाती, तो शायद मैं ये सोचता कि इधर का तो सर्किट बिल्कुल ठीक है ही, इधर फॉल्ट है। तो इधर में ये आईसी भी ऐसा शॉर्ट होने से हो सकता है। तो अभी आईसी शॉर्ट है या क्या शॉर्ट है, तो अभी मुझे दोनों तरफ शॉर्ट दिखा रहा ना, तो दोनों तरफ शॉर्ट दिखा रहा, तो इधर से आईसी से लेना देना नहीं है, लेना देना इधर से है। तो दोनों तरफ शॉर्ट दिखा रहा, तो मैं पहले यहीं पर काम करूँगा, और इसके लिए इसको मैंने इसीलिए कटिंग करेंगे, ये देखिए कटिंग करके दिखाता हूँ आपको, बंद कीजिए। ये कटिंग पहले भी कई बार ऐसा फॉल्ट सीखने के लिए लोग जो आते हैं वो अक्सर ऐसा खराब कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? जब ये तार मैं लगाने के लिए बोलता हूँ तो कभी ना कभी उल्टा लगा देते हैं या टच करके छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, इस 7812 है, रेगुलेटर है 7812 आईसी, तो इसमें शॉर्टिंग 220 वोल्ट आ जाने से ये खराब हो जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कटिंग का पहले से व्यवस्था कर रखा हूँ, क्योंकि बार बार इस तरह से खराबी आती है तो इन लोग को बार बार दिखाना होता है। अभी अब चालू कीजिए, अब तार लगाइए, अब कितना वोल्ट है, तार लगा दिए तो वोल्टेज क्यों नहीं आया, आया वोल्टेज इधर देखिए कितने वोल्ट है, 2 वोल्ट। मतलब इधर से मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, सिर्फ इधर से ही है। तो अभी इसको हम अब चेंज करके ही देखेंगे, निकलिए अब तार निकलिए। निकल गया, इसको निकालना ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, लेकिन नए नए लड़कों के लिए ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे मान लीजिए एक पिन पे आप टच करते हैं, उसके बाद निकालना सोचते हैं तो निकलता नहीं, जब तक आप दो पिन में ऐसे टच नहीं करेंगे। जैसे ही इस पे दो पे टच करेंगे, शोल्डर जैसा जरा सा भी गला थोड़ा सा इस तरफ
झुका देंगे जिधर शोल्डर गला हुआ नहीं है, तो ये दोनों पीछे साइड चला जाएगा। फिर दूसरे साइड इस तरफ टच करेंगे और इस तरफ ऐसे कर देंगे, तो जो पहले से जितना दूर निकल चुका था और उससे ज्यादा निकलना शुरू हो जाएगा। इससे दो या तीन बार करने से वापस निकल जाता है। अब इसको दोबारा इसको लगाना है तो हम चेंज करते हैं, है? ये निकाले हैं और ये किसी और सेट का लगाना है। तो अब यहाँ पे से भी देख सकते हैं आप कि ये खराब है भी कि नहीं। खराब में और अच्छा में जैसे मैंने आपको बताया कि कभी भी अगर मान लो जब ही यहाँ पे हूं तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन घर में जाएंगे तो एक चालू सेट अपने पास रखेंगे तो उससे आपको मदद मिल जाएगी शुरुआत में। जैसे ये खराब है, मीटर भी आना चाहिए, ये देखिए शॉर्टिंग आ रही है कितना 13 ओम्स है ना, इधर कितना रहा है, इधर भी 11.4 मतलब ये भी 12-13 है, इसमें भी वो सही आ रहा है क्या, ये भी देखना है। ये देखिए इसमें है ही नहीं, है ना, इसमें है नहीं, ये अभी मैंने बजर में लगा रखे थे, अब मैं डायोड में कर दिए। ये कितना आ रहा है 1719, ये इधर कितना है, इधर है ही नहीं, ठीक है, इधर 1719 है, मतलब 1719 इधर भी होना चाहिए था जहां पे अभी घंटी बज रही है। और इस तरफ जो तार बदल के चेक कर रहे तो कितना हो रहा है 620, इस तरफ कितना हो रहा है 553। तो इस कंडीशन में अभी आप मान लेंगे कि इस कंडीशन से हम चेक करेंगे सही है। अब इसमें बेस कोई नहीं है, कलेक्टर नहीं है, मीटर नहीं है, तो आपको एक 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 अपना अनुमान रखना होगा कि किसी बेस से भी लगाकर देखेंगे दूसरे में कितना आ रहा है। तो अक्सर मैं ये वोल्टेज आउटपुट है और ये इनपुट है और ये निगेटिव है, तो हमें इससे दूरी गैप बना के रखना होता है। तो खास कर क्यों ना इसी पे लग के चेक करें कि इसमें गैप कितना है, है ना, इसका शॉर्टिंग अगर बढ़ जाएगी तो वोल्टेज तो डाउन होना ही होना है, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो। तो इसलिए बीच पे आप रखिए, इधर का 1719, इधर का कुछ भी नहीं, इस तार से चेक करेंगे कितना आ रहा है 552 और ये 619, इस कंडीशन में आना चाहिए। आप एक ये लिख के रखिए, या फिर आप चेक करते समय आप दूसरा कोई अपने पास होगा उसको इस तरह से समझ जाएंगे कि हाँ ओके। अगर ये 00 होगा तो भी तो वोल्टेज शॉर्ट होगा, अगर 00 नहीं होगा तो वोल्टेज शॉर्ट नहीं होगा, चाहे वोल्टेज बाद में कम जाती हो, रुक रुक के कम हो, कमी आ रही है, कभी ज्यादा आ रही है, लेकिन अगर शॉर्ट है तो बिल्कुल ही कमी कम होगी और कोई दूसरा फॉल्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर शॉर्ट नहीं है फिर भी कभी कभी 12 वोल्ट बन रही है, कभी कभी नहीं बन रही है, तो इस कंडीशन में ये खराब होता है। ट्यूनिंग से ये जो इसका रीडिंग आया 1917 वो भी सही है, तब भी आप चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब चेंज नहीं करेंगे और अंदर से लीकेज है जो गर्म होने के बाद या लोड पड़ने पे ये दोबारा खराब हो जाता है या ओपन हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी चेंज करना है। लेकिन अभी फिलहाल ये शॉर्ट है और मैंने इसे लगा दिया, अब ये शॉर्ट वाला तो अभी दोबारा मीटर कहाँ लगा, शॉर्ट वाला अभी दोबारा दिखा दूँ आपको कि शॉर्ट वाला जो है निकाल दिए हैं और अब यहाँ पे लगे लगे चेक करेंगे, इधर दिखाइए, अब तो नहीं है शॉर्टिंग, है ना, तो अब वोल्टेज ये वो वोल्टेज का अब जो वोल्टेज है यहाँ पे कितना बन रहा, तार लगाइए, तार लगा दिए और इधर से वोल्टेज निगेटिव में हम तार लगा दिए, ये वोल्टेज बन गया 12 वोल्ट, ठीक है 12 वोल्ट बन गया। अब ये आउटपुट जो ये वोल्टेज है वो दिखाइए, ऊपर दिखाइए, अभी भी आउटपुट चालू नहीं हुआ है ना। तो अब दूसरा क्या किया आपने, इधर का तो 12 वोल्ट बन गया, अब वहाँ वोल्टेज नहीं निकल रही है। अभी इधर मैंने देखा कि इधर आपने जो शॉर्ट किए थे ये तार ब्रेक होने के, कोई बात नहीं, ये जो आपने टच किए थे इससे ये प्रिंट जो है जल चुकी है लाइन, तो इसको हम पहले कनेक्ट करेंगे, दिखाओ सही होगा क्या दिखा जा रहा है, मेरा पैर नहीं आना चाहिए, पैर तो नहीं आ रहा, ये देखिए तार लगा रखा है ना, तार निकालो पहले,
ये मैंने कनेक्ट कर दिए इसलिए क्योंकि ये प्रिंट जल गई थी। अब ये है, दिख रहा है, दिखाइए, है ना। तो मैंने, अगर आपको बारीकी से काम करना है तो आप इसे एक टीन वायर लीजिए, यहाँ से घुमाते हुए यहाँ तक लगा दीजिए, जो आपको देखने में अच्छा लगेगा। नहीं तो मैं इसी को उस तरह से करके दिखा रहा हूँ किस तरह से करना है। ये दिखाइए, ये ऐसे है, इस तरह से यहाँ पे लेके ऐसे यहाँ से काट दीजिए। इसको ऐसे टच करके ये सोल्डिंग कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। टीन वायर होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, अब ये, अब तार लगाओ। अभी इसमें 12 वोल्ट बन रहा है कि नहीं, 12 वोल्ट बन रहा है। निगेटिव तार हमने इसमें लगा दिए, ठीक है, और ये 12 वोल्ट बन गया। और इनपुट जो है इसका 21 वोल्ट है। 21 वोल्ट क्यों है, यहाँ तो 909 ट्रांसफार्मर लगा रखे हैं, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 15 वोल्ट, 909 यानी 18 वोल्ट है। जीरो को हटा दिए, 99 लगाए हैं, तो इसमें 18 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन 18 वोल्ट नहीं है। और यहाँ से एक डायोड जो दिया है, ये आउट करने के बाद यहाँ जो कंडेंसर है, इसको फिल्टर करने से ये देखिए 21 वोल्ट हो गया। इधर कितना है, 15 वोल्ट, इधर कितना है, 21 वोल्ट। यहाँ 15 वोल्ट क्यों है, क्योंकि ये फिल्टर के लिए कंडेंसर नहीं लगा है। डीसी तो बन गया, एसी को डीसी में बन गया, लेकिन फिल्टर नहीं हो रहा, तो उस कारण से वोल्टेज कम है। तो ये कंडेंसर भी लगाना आपको जरूरी है, इसीलिए कहते हैं कोई भी सर्किट में जब तक डीसी हो तो उसमें कंडेंसर लगा होना चाहिए, तभी सही काम करता है। ये 21 वोल्ट हो गया, यहाँ से 12 वोल्ट, 12 वोल्ट आईसी में यहाँ से ऐसे आईसी तक है, ठीक है, ये भी आईसी तक है। अभी अब वोल्टेज वो यहाँ पे कितना है, 39 वोल्ट। ये वोल्टेज कहाँ से है, बैटरी का ट्रांसफार्मर का वो रेक्टिफायर जो ब्रिज है उस पर। तो यहाँ पे वोल्टेज 18 आ रही है, तो इसका मतलब वो जो इसमें दिखाइए, इस पर जो वोल्टेज है ये भी उतनी ही वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो तार लाल वाली है यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है इस पर। किस लिए, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज एडजस्ट करने के लिए ये सर्किट है, और एडजस्ट करने के लिए वो आउटपुट का जो वोल्टेज है उसको ही एडजस्ट करना है, तो वो तो यहाँ लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। और वो मैंने लगाया, लेकिन अब मैं वहाँ ऊपर दिखाइए कितना वोल्ट है, 38 वोल्ट है ना। अभी इसे इधर दिखाइए, अब इसे देखेंगे कि यहाँ से कमी है। ये देखिए, इन्होंने घुमाए भी होंगे, ये घूमने के कारण से वोल्टेज कम थे, ठीक है। बस इतनी रखना है। अब इसका एम्पियर सही है कि नहीं है वो देखना है, कि मान लो वोल्टेज सही कर दिए, एम्पियर सही नहीं है, तो एम्पियर के लिए बैटरी कनेक्ट करना होगा। बैटरी कनेक्ट कीजिए, ये बैटरी का है, तो इसे पहले बंद करेंगे और ये बैटरी जोड़ दिए। अब इसे डायरेक्ट भी लगा देंगे, क्योंकि अब चालू होने दीजिए, एम्पियर कितना आ रहा है वो देखिए, ठीक है। ये सुई वाला मीटर देखिए, सुई का कितना आ रहा है, 15। इसको भी घुमाए थे, इधर दिखाइए, ये एम्पियर का है, ऊपर दिखाइए, नीचे ऊपर दिखाइए, ठीक है। ये इस तरह से एम्पियर भी सही हो गया, आपको 20 में रखना है, तो अभी ये ठीक है और सही से मतलब काम करने लग गया, वोल्टेज भी बन रहा है और आउटपुट भी सही है, इस कंडीशन में सही मानेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, अभी जो आपको बताया था कि ये यहाँ पे 15 वोल्ट आ रहा है जो भी है, और इधर आउटपुट में डायोड के पार होने के बाद इधर 21 वोल्ट आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ भी 21 वोल्ट कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पे ग्राउंड पे एक ग्राउंड लगाइए और इधर प्लस पे एक कंडेंसर लगा दीजिए, तो जो आपको यहाँ पे 21 दिखा रहा था वो जो यहाँ भी 21 दिखाने लग जाएगा, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ,
तो एक कंडेंसर पहले ले लूं मैं, किसी एक कंडेंसर जो इसको फिल्टर करने के लिए मेरा पैर नहीं आना चाहिए। अभी देखिए ये कंडेंसर कितना है, 25 वोल्ट और 470 mfd, ठीक है, 470 25 वोल्ट, ये 25 वोल्ट यहाँ चल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी 22 या 21 वोल्ट है, अभी मैं आपको चेकिंग के लिए लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे 50 वोल्ट का लगना चाहिए था क्योंकि 22 23 वोल्ट है तो 50 वोल्ट का, लेकिन आपको दिखाना है कि ये काम कैसे करता है। असल में वहाँ पे 15 बन गया और यहाँ नहीं बना, क्योंकि यही वोल्टेज आगे जाके 15 बन रहा है, तो क्यों बन रहा है ये आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ सोल्डर लगा रहा हूँ पहले सोल्डर, क्योंकि सोल्डिंग पकड़ेगा नहीं सही से, अब लग गया। तो इसका माइनस पिन है, ये माइनस में लगा दिए, और ये प्लस पिन है, ये प्लस है और इधर का माइनस है, ये मैंने लगा दिए। अब यहाँ पे आपने वोल्टेज जो चेक किए थे जो 15 दिखा रहा था, अभी आपको ये जितना आउटपुट में है मतलब डायोड के उस तरफ है उतने ही इस तरफ भी होगा। ये देखिए, चालू कीजिए, बटन चालू कीजिए, नहीं नहीं वो पावर ऑन, ये देखिए 22 वोल्ट 23 वोल्ट हो गया। अब इसका उस तरफ देखिए, जो यहाँ से एक डायोड लग के इस तरफ ये 22 23 21 वोल्ट था, अभी ये कितना है 22 वोल्ट, क्योंकि मैंने डायरेक्ट लगा रखा हूँ, अब सीरीज में मैं लगाया हूँ, तो सीरीज में के ये जो 22 वोल्ट है और इधर भी देख लिए, यहाँ 22 वोल्ट 23 वोल्ट, यहाँ भी 23 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप कंडेंसर लगाए, अगर मैं कंडेंसर हटा दूं अभी तो ये देखिए, फिर अभी यहाँ पे 15 वोल्ट हो जाएगा, ये निकाल दिए, और अभी आप देखें यहाँ पे 23 वोल्ट हो गया, लेकिन इस तरफ 15-16 हो गया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है, जब तक आप फिल्टर नहीं लगाएंगे आपको वोल्टेज कम होगी, इसलिए कभी कभी आप कहते हैं कि आउटपुट में सर वोल्टेज कम है और खूब मैं एडजस्ट कर रहा हूँ फिर भी नहीं बढ़ रही, तो वहाँ भी कंडेंसर लगाइए, तो आपका वोल्टेज जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जब कभी वोल्टेज आपको आउटपुट में कम आए तो आप कंडेंसर लगा के फुल कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों अगर